लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। बीजेपी के जिला महामंत्री विजय घाटे ने नई मुंबई में हो रही कोरोना मौतों के लिए पालक मंत्री एकनाथ शिंदे को जिम्मेदार ठहराया है। विजय घाटे ने कहा कि पालक मंत्री ने 10 दिनों पहले नई मुंबई में 2 ऑक्सीजन प्लांट तत्काल लगाने का ऐलान किया था, लेकिन आज तक एक भी प्लांट क्रियान्वित नहीं हो पाया है, जो पालक मंत्री की नियत और कार्यप्रणाली की पोल खोलता है। विजय घाटे ने कहा कि एक तरफ जहां बीजेपी विधायक गणेश नाइक नई मुंबईकरों के लिए ऑक्सीजन, दवाई और इलाज का इंतजाम कराने में जुटे हैं, वहीं शिवसेना के नेता और पालक मंत्री सिर्फ घोषणाएं करने में जुटे हैं। देखिए रिपोर्ट। जाने जा रही है, पालक मंत्री कहाँ है, कोई कुछ काम नहीं कर रहे, बस मंत्रालय में बैठते हैं। ये सिर्फ घोषणाबाजी करने वाले लोग हैं। गणेश नाइक साहब, मंदाभाई मात्रे जी, उनके वजह से आज नवी मुंबई चल रही है, नहीं तो नवी मुंबई के 17 लाख लोगों के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ रहा था। पालक मंत्री तो थाने जिले के, तो उन्होंने भगवान भरोसे ही देख के रखा हुआ है। अगर हिम्मत है तो पालक मंत्री कहे कि नवी मुंबई के लिए उन्होंने कितना फंड दिया हुआ है, पालक मंत्री ये बताए कि नवी मुंबई में रेमडेसिविर इंजेक्शन कितने दिए हुए हैं। सड़क स्वच्छता और पानी में नंबर वन रही नई मुंबई, कोरोना से मौत के मामले में भी नंबर वन बन रही है। मनपा के महीने भर के आंकड़ों पर गौर करें तो 5 अप्रैल से 5 मई के बीच कुल 225 लोग जान गंवा चुके हैं, यानी हर दिन औसतन 8 लोग या तो उपचार के अभाव में मर रहे हैं या ऑक्सीजन या वेंटिलेटर मिलने में देरी के कारण जान गंवा रहे हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? बीजेपी के महामंत्री विजय घाटे इन मौतों के लिए पालक मंत्री एकनाथ शिंदे को जिम्मेदार मान रहे हैं। विजय घाटे ने याद दिलाया कि पालक मंत्री ने 10 दिनों पहले नई मुंबई में तत्काल 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का ऐलान किया था, लेकिन आज तक एक भी प्लांट एक्टिवेट नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते ऑक्सीजन प्लांट लग जाता और समय पर वेंटिलेटर और रेमडेसिविर उपलब्ध हो जाती तो सैकड़ों नई मुंबईकरों की जिंदगी बचाई जा सकती थी। विजय घाटे ने कहा कि लोग कोरोना से त्रस्त हैं, लेकिन पालक मंत्री सिर्फ घोषणाएं करने में व्यस्त हैं। क्या ऐसे एक पालक मंत्री मिले हुए हैं, वो उनका सिर्फ बड़बोलेपन चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। 15 दिन पहले उन्होंने कहा था 3 ऑक्सीजन प्लांट ठाणे में आएंगे, 2 नवी मुंबई में आएंगे, कल्याण, उल्लासनगर, हर जगह की बातें हो गई। आज इतने दिन हो गए, फिर भी एक भी ऑक्सीजन प्लांट चालू नहीं हुआ है। आज के तारीख में वेंटिलेटर बेड का प्रॉब्लम हो रहा है। अगर वेंटिलेटर बेड की डिमांड आती है तो हमारे पास वेंटिलेटर बेड नहीं, लोगों की जाने जा रही है। पालक मंत्री कहाँ है, ये लोग नवी मुंबई वालों को कुछ भी पता नहीं चल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रहा है कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ये सिर्फ घोषणाबाजी करने वाले लोग हैं, उनका ग्राउंड लेवल पे कोई भी कंट्रीब्यूशन है नहीं। गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट है, पालक मंत्री का क्या सपोर्ट है, कोई कुछ काम नहीं कर रहे, बस मंत्रालय में बैठना है, शाम को एक स्टेटमेंट दे देना है, एक घोषणा देना है, आगे होता तो कुछ है नहीं। पालक मंत्री तो थाने जिले के, तो उन्होंने भगवान भरोसे ही देख के रखा हुआ है कि भाई भगवान जाने, आपके गणेश नाइक जी जाने और आपकी मंदाताई मात्र जाने, बस आप जी लो कैसे भी करके। एडमिनिस्ट्रेटर हमारा है, शाम को 7 बजे के बाद हम आएंगे, क्या करेंगे ये तो बताते नहीं है, लेकिन आके चले जाते हैं, बस इतना ही काम चल रहा है। दरअसल नई मुंबई में सिर्फ ऑक्सीजन की ही किल्लत नहीं है, बल्कि रेमडेसिविर की धांधली भी बड़ा मामला है। विजय घाटे की माने तो नई मुंबई के कोटे का रेमडेसिविर इंजेक्शन पालक मंत्री के इलाके थाने, कल्याण, डोंबिवली और अंबरनाथ में भेजा जा रहा है, और इसीलिए नई मुंबई में रेमडेसिविर की किल्लत हो गई है। विजय घाटे ने नई मुंबई की अच्छी हालत के लिए अपने नेताओं गणेश नाइक और मंदा मात्रे को श्रेय देते हुए कहा कि जिस तरह पालक मंत्री और सरकार का रवैया है, उससे तो नई मुंबई कभी की बर्बाद हो गई होती। उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन की बदहाली का हवाला देते हुए पूछा कि पालक मंत्री बताएं कि आखिर इतने दिनों में उन्होंने नई मुंबईकरों के लिए कितने वेंटिलेटर दिए, मौत से जूझ रहे मरीजों के लिए कितनी रेमडेसिविर भिजवाई और कितनों की मदद की। रेमडेसिविर इंजेक्शन का शॉर्टेज है, रेमडेसिविर इंजेक्शन का कोटा ठाणे में जा रहा है, बराबर कल्याण में जा रहा है, अंबरनाथ में जा रहा है, नवी मुंबई को क्यों नहीं आ रहा है?
नवी मुंबई के लिए कौन जिम्मेदार है, पालक मंत्री इस बारे में क्या कर रहे हैं, ये आज तक किसी को समझ में ना आया। गणेश जी नाइक साहब, मंदाताई मात्रे जी, उनके वजह से आज नवी मुंबई चल रही है, नहीं तो नवी मुंबई के 17 लाख लोगों के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ रहा था। आज भी मैं कहता हूँ, अगर हिम्मत है तो पालक मंत्री कहे कि नवी मुंबई के लिए उन्होंने कितना फंड दिया हुआ है, पालक मंत्री ये बताए कि नवी मुंबई में रेमडेसिविर इंजेक्शन कितने दिए हुए हैं। आज पिछले एक हफ्ते से नवी मुंबई में वैक्सीनेशन का पूरा फियास्को हो पड़ा हुआ है, उसके बारे में कौन जिम्मेदार है, उसका जिम्मेदारी दे। 18 से लेकर 45 एज के लोगों के लिए वैक्सीनेशन 100 और 200 आ रहे, शर्म आनी चाहिए नवी मुंबई के साथ ऐसा बर्ताव करते समय, ये मेरा अपना कहना है, पालक मंत्री को मैं चैलेंज दे रहा हूँ। दरअसल नवी मुंबई मनपा में आयुक्त अभिजीत बांगर प्रशासक हैं और सरकार एवं पालक मंत्री के अधीन काम करते हैं। विजय घाटे ने कहा कि पालक मंत्री को भाषणबाजी की बजाय मनपा आयुक्त के जरिए ऐसे इंतजाम कराने चाहिए ताकि कोरोना से निपटने और लोगों की जान बचाने में मदद मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।